इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इस खसूस पेशकश उर्दू नामा में आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में हम आपको उर्दू अदब की मुख्तलिफ जहात और गोशों से रूबरू कराते हैं मुख्तलिफ़ अदीबों और शायरों की खिदमत से वाकिफ कराते हैं इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज का ये प्रोग्राम मुमताज़ शायर अली सरदार जाफरी के नाम मानवन है अली सरदार जाफरी का शुमार मुमताज़ तरक्की पसंद कलमकारों में होता है वह एक बामाल अदीब वसीुल नज़र नक्क़ाद हमगीर शायर और नगम नगार थे वह तरक्की पसंद तहरीक के मज़बूत सतूनों में से एक थे इनकलाब आएगा रफ़्तार से मायूस न हो बहुत आहिस्ता नहीं है जो बहुत तेज़ नहीं सरदार जाफरी ने अपनी शायरी के मौजूद हालात हाज़रा और ज़िंदगी में रोज़मर्रा पेश आने वाले नित नए मसाइल से अक्स किए एक हसास अहद शनास की हैसियत से उन्होंने जो देखा उसे अपनी शायरी में पेश कर दिया शायरी के अलावा उनकी तखलीकी नसर के उमदा नमूने उर्दू अदब का बेशकीमती सरमाया हैं। उनकी किताब तरक्की पसंद अदब उनकी नाकदाना बसीरत की निशानदही करती है वह अफसाना नगार और ड्रामा नवेस भी थे उनको उर्दू में दानश्वरी की बेहतरीन मिसाल कहा जा सकता है वह इलमी अदबी फ़लसफीना सियासी और समाजी मौजूद पर माहिराना गुफ्तू करते थे उन्होंने बतौर अदीब व शा मख्तलफ ममालिक दौरे किए और उर्दू की बैन अवी सफारतकारी का फरीज़ा बखूबी अंजाम दिया सरदार जाफरी का शेरी इसलूब अलामाबाल और जोश मलिहाबादी की तरह बुलंद आहंग और ख़तीबाना है उन्होंने अपनी शेरगोई के तवील सफर में कई तरह की इख्तरात कि और जिद्दत का सबूत दिया उन्होंने अपने अशार में जा बजा आवामी मुहावरों का इस्तेमाल किया उन्होंने उर्दू फ़ारसी की क्लासिकी शायरी का गहरा मताल किया था इसलिए जब नेहरू फेलोशिप के तहत उनको उर्दू शायरी में इमेजरी की एक फ़रहंग मुरतब करने का काम सौंपा गया तो उन्होंने सिर्फ़ हर्फ अलिफ के तहत बीस हज़ार से ज़ायद अल्फाज और तराकीब महज चंद शोरा के मंतखब अशार की मदद से जमा कर दिए अली सरदार जाफरी 29 नवंबर उन्नीस को उत्तर प्रदेश में ज़िला गोंडा के शहर बलरामपुर में पैदा हुए उनके जद्द आला शराज से हिजरत करके यहाँ आ बसे थे उनके वालिद का नाम सैयद जाफर तैयार था उनकी इब्तदाई तालीम पहले घर पर फिर बलरामपुर के अंग्रेज़ी स्कूल में हुई उन्होंने 1933 में हाई स्कूल का इम्तहान पास किया इसके बाद वाली तालीम के लिए अलीगढ़ पहुँचे लेकिन उन्नीस में उन्हें सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया लेकिन उन्होंने दिल्ली जाकर एंग्लो अरबिक कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की उसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहले एलएलबी में और फिर एम ए इंग्लिश में दाखिला लिया उस वक्त लखनऊ सियासी सरगर्मियों का मरक़ था सज्जाद जहीर डॉक्टर अब्दुललीम सपते हसन और मजाज भी यहीं मुकीम थे सरदार जाफरी भी उनके शाना बशाना सियासी सरगर्मियों में शरीक हो गए जिसके नतीजे में 1940 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो आठ माह जेल में रहे इसी ज़माने में सरदार जाफरी मजाज और सप्त हसन ने मिलकर अदबी रसाला, नया अदब और एक हफ्त रोज़ा अखबार परचम निकाला इसका पहला शुमारा उन्नीस में शाया हुआ था 1942 में जब कम्युनिस्ट पार्टी से पाबंदी हटी और उसका मरकज़ बंबई में कायम हुआ तो सरदार जाफरी बंबई चले गए और पार्टी के तर्जमान कौमी जंग के अदारती अमला में शामिल हो गए उनका पहला अफसानवी मजमु मंजिल उन्नीस सौ अड़तीस में शाया हुआ उन्नीस सौ में उन्होंने पहली मरतबा नज्म परवाज लिख कर अदबी हलकों में अपनी शनाख्त कायम की सरदार जाफरी ने पार्टी की सरगर्म कारकुन सुल्ताना मिनहाज से 1948 में शादी कर ली उन्होंने कभी कोई मुस्तकिल मुलाजमत नहीं की सरदार जाफरी ने शुरू में साहिल लुधियानवी मजरूह सुल्तानपुरी और अख्तरुल ईमान की तरह फिल्मों के लिए गीत और स्क्रीनप्ले प्ले लिखने की कोशिश की लेकिन वह उसे जरिए माश नहीं बना सके 1960 की दहाई में उन्होंने पार्टी की अमली सरगर्मियों से किनारा कशी अख्तीय कर ली और सहाफ़ती व अदबी सरगर्मियों में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई उन्होंने तरक्की पसंद अदब का तर्जमान स माहिर रसाला गुफ्तु निकाला जो उन्नीस सौ पैंसठ तक शाया होता रहा वह अमली तौर पर बेहद मतहरिक और फाल इंसान थे वह महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर अंजमन तरक्की पसंद मुसनफिन के सदर और नेशनल बुक ट्रस्ट व दीगर इदारों के एजाज़ी रुकन थे उन्होंने ल्लामाकबाल संत कबीर जंग आज़ादी के सौ साल और उर्दू के मुमताज़ शोरा के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाईं उन्होंने दीवान गालिब और मीर की गज़लों का इंतखब करके उर्दू और देवनागरी में शाया किया उनके आठ शेरी मज़मूए परवाज़ नई दुनिया को सलाम खून की लकीर अमन का सितारा एशिया जाग उठा पत्थर की दीवार एक ख्वाब और, और लहू पुकारता है वगैरह शाया हुए उनकी शेरी तख्लीक के तराजुम दुनिया की मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ानों में किए गए वह आई पी टी एनि इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से भी वाबस्त रहे और इसके लिए उन्होंने दो ड्रामे भी लिखे इसके अलावा मुमताज़ उर्दू शोरा की सवाने पर मुश्तमिल सीरियल कहकशा के अट्ठारह एपिसोड पेश किए उन्नीस सौ अड़तालीस से उन्नीस सौ अठहत्तर तक उनके जुमला आठ शेरी मजमू शाया हुए उनके आखिरी फनपारे का सरहद रहा यह सौगात सबक़ वजी अजम अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब नवाज शरीफ को बतौर तोहफा पेश की थी उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत उन्नीस में ख्वाजा अब्बास की फिल्म धरती के लाल के नगमे लिख कर की जिसकी मौसीक़ी पंडित रवि शंकर ने तरतीब दी थी उन्होंने फिल्म जलजिला अन्नदाता अनहोनी धोबी डाक्टर फ़रार फुटपाथ के लिए नग़मे तहरीर किए उन्नीस में बनी फिल्म परदेसी के लिए उन्होंने प्रेम धवन के साथ मिलकर नग़मे लिखे इसके अलावा ख्वाजा अहमद अब्बास की मज़ीद तीन फ़िल्मों शहर और सपना हमारा घर आसमान महल और नक्सलाइट के लिए भी गीत लिखे सरदार जाफरी को उनकी अदबी ख़दमत के लिए जो पजराय मिली वो बहुत कम अदीबों के हिस्से में आती है मुल्क के सबसे बड़े अदबी एजाज़ ज्ञानपीठ अवार्ड के अलावा उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड और सोवियत लैंड नेहरू इनाम से भी नवाज़ा गया मुल्क की मुख्तलिफ रियासती उर्दू अकेडमियों ने उन्हें इनामात और एजाजा दिए मरकज़ी हुकूमत ने भी उनको पदम श्री के खिताब से नवाज़ा आखिरी उम्र में दिल के आर्जा के साथ साथ उनके दूसरे आज़ाय रईसा भी जवाब दे गए यकुम अगस्त 2000 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया और जूहू के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई सरदार जाफरी की शख्सियत और शायरी के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर वहीद अख्तर ने कहा है जाफरी के जहन की तशकील में शियत मार्क्सिज़म इनकलाबी रुमानीत और असरियत के साथ और भी अवामिल कार फरमा हैं वह उन शोरा में हैं जिन्होंने शायर को नक्क़ात का मनसब भी दिया है और उसे इल्मी हलकों में मोतबर बनाया सरदार जाफरी ने हर दौर के मसाइल को अपनी रासखल तरक्की पसंदी के बावजूद तख्लीकी तजुर्बे और उसके इजहार से महरूम नहीं रखा यही उनकी बड़ाई है और इसी में उनकी असरी मानवीय का राज मुजमर है नाजरीन आखिर में सरदार जाफ़री की एक नज़म पेश ख़िदमत है जो उन्होंने अहमद फराज़ की नज़्म दोस्ती का हाथ के जवाब में कही थी फराज की नज़म का शेर है अगर तुम्हारी अनाही का है सवाल तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए दोस्ती का हाथ तुम्हारा हाथ बढ़ा है जो दोस्ती के लिए मेरे लिए है वो एक यार गम गुसार का हाथ वो हाथ शाख गुल गुलशन तमन्ना है महक रहा है मेरे हाथ में बहार का हाथ खुदा करे कि सलामत रहें ये हाथ अपने अता हुए हैं जो जुल्फ़ें सवारने के लिए ज़मीं से नक्श मिटाने को जुल्म नफ़रत का फलक से चाँद सितारे उतारने के लिए ज़मीन पाक हमारे जिगर का टुकड़ा है हमें अज़ीज़ है दिल्ली व लखनऊ की तरह तुम्हारे लहजे में मेरी नवा का लहजा है तुम्हारा दिल है हसी मेरी आरज़ू की तरह करें ये अहद की औज़ार जंग जितने हैं उन्हें मिटाना है और ख़ाक में मिलाना है करें ये अहद की अरबाब जंग हैं जितने उन्हें शराफ़त व इंसानियत सिखाना है जिए तमाम हसीना ने खैबर व लाहौर जिये तमाम जवाना जन्नत कश्मीर हुलब पे नगमे महरू वफा की ताब आनी किताब दिल पे फ़कत हरफ इश्क हो तहरीर तुमाओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश हमेंएँ सुबह बनारस की रोशनी लेकर हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर फिर इसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है नाजरीन आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही उर्दू नामा की आइंदा नशस्त में एक नए ान के साथ हम फिर हाजिर होंगे आदाब